अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आसान तालीम कुरान चैनल से कारी अहमद अली मेहरवी आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन मोहतरम, आज बात करेंगे कि वो कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो जब भी जानवर ख़रीदने जाएं तो 13 चीज़ों का बड़ा अच्छी तरह ध्यान करें और अच्छी तरह चेक कर लें। तो आपके सामने मैं रखता हूं वो कौन से ऐब हैं जिनसे कुर्बानी नहीं होती। नंबर एक, अगर जानवर नबीना हो या ऐसा काना हो जिसका कानापन जाहिर हो तो कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह ऐसा बीमार जानवर जिसको चारा भी दिखाए तो वो ना खाए, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। और ऐसा लंगड़ा जानवर जो खुद अपने पाँव पर चलकर कुर्बानगाह ना जा सके, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और जिस जानवर के पदेशी कान ना हो या एक कान ना हो, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह इतना कमज़ोर जानवर के हड्डियों में मग़ज ना हो तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। पागल जानवर जो चरता ना हो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। वाहशी जानवर, जंगली जानवर जैसे जंगली बकरा वगैरह होता है तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह जलाला यानी गलीज खाने वाला जानवर, गंदगी खाने वाला जानवर, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और वो जानवर जिसमें नर और मादा दोनों अलामतें पाई जाए, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और वो जानवर जिसका एक पांव कट गया हो या जिसका कान, दुम या चक्की एक तिहाई कटे हुए हों तो उनकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह किसी जानवर का नाक कटा हो तो वो भी ऐब शुमार किया जाएगा। जानवर जिसके दांत ना हो या दांत जड़ गए हों, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर बकरी है या गाय है या भैंस है, अगर उसके थन कटे हुए हैं या थन खुश्क हो गए हैं तो फिर भी कुर्बानी उसकी नहीं होगी। और ये भी याद रखें, बकरी में एक थन और गाय और भैंस में दो थन अगर कटे हुए हैं तो ये ऐब शुमार किया जाएगा। इसी तरह अगर किसी जानवर का सींग टूटा हुआ है, ये याद रखें इस मसले को, अगर किसी जानवर का पैदाइशी सींग नहीं है तो उस जानवर की कुर्बानी ठीक है। और अगर किसी जानवर का पैदाइशी सींग है लेकिन बाद में टूटा और अगर वो जड़ समेत टूटा है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, और अगर ऊपर से टूटा है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है। तो ये मैंने आपके सामने वो ऐब रखे हैं। अगर जानवर के अंदर ये ऐब पाए जाएंगे तो कुर्बानी नहीं होगी। जब भी जानवर खरीदे तो इन बातों का लाजमी ध्यान रखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में मालूमात हासिल हो सके। नई वीडियो तक कारी अहमद अली मेहरवी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।